Assalamualaikum guys, welcome back to another vlog. यार मैं कराची आ गया तो भी बहुत से लोगों ने बोला भाई कराची के खानों की वीडियोस तो बनाओ, कराची के खाने दिखाओ। तो भाई आज मैं कराची के एक ऐसे इलाके में मौजूद हूँ जो एक बड़े नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान की टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद और पाकिस्तान की मौजूदा टेस्ट टीम के मेंबर सरफराज अहमद का ये एरिया कहलाता है जिसे बफर जोन कहा जाता है, स्पेशली कराची वाले इसको बड़ा मशहूर जानते हैं। So guys, यहाँ पे पिज़्ज़ा स्टूडियो करके एक शॉप है जहाँ पे पिज़्ज़ा है, हर आपको आइटम मिलेगा, फास्ट फूड मिलेगा, तो आज वो टेस्ट करना है। तो आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा तो जल्दी चलते हैं, आ जाओ। वालेकुम सलाम बेटा, मेरा नाम आफ्ताब आलम है। बेटा मैं दोपहर 12 बजे ओपन करता हूँ और 2 बजे रात को बंद करता हूँ। ये काफ़ी टाइम हो गया बेटा मुझे, तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं। नहीं, मेरे पास पिज़्ज़ा की सिर्फ 15 वैरायटीज़ हैं और उसके अलावा जो है मेरे पास विंगर है, ब्रोस्ट है, विंग्स है, यानी एक जो फास्ट फूड के लिए जो चीज़ चाहिए वो तकरीबन सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद है। लोकेशन बेटा अगर आप समझें, ये हारून शॉपिंग मॉल जो है बफर जोन, उसके बैक साइड पे रोड जा रही है एक डीसी ऑफिस के लिए, तो उस तरफ है ये ना। सही है। असद पकवान है, असद पकवान के बराबर में पिज़्ज़ा स्टूडियो के नाम से ये शॉप है। क्या होम डिलीवरी भी है मेरा? होम डिलीवरी 03212910993। वैसे तो बेटा बहुत सारे वैरायटीज़ हैं मेरे पास, मगर जो मेरे पास ज़्यादा चलने वाला जो वैरायटी है वो फजीता है, वो मैं आपको टेस्ट कराऊंगा आज। भाई हमारे साथ ना दो लोग और हैं और उस दो में से तो आपको एक ये छोटा दिख गया होगा। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या बोलूं, कैसे आप? खैरियत से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए सर। इतने महीने कहाँ गायब थे? सब अमन है? आप गायब थे दुबई में, पता नहीं कहाँ थे आप। मुझे नहीं पता, मैं तो यहीं पर ही था। समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? तैयार हो आज खाने के लिए? हाँ मैं तो। एक और बंदा मौजूद है, द वन एंड ओनली। भाई क्या हाल है? फूड ब्लॉगर है, फूडी लोग हम ना भाई। थोड़ा पीछे कर ना, आवाज बढ़ेगी। अच्छा सस्ते ब्लॉगर है यार, क्या कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो मैं आया हूँ ना दुबई से, मैंने अभी तक पिज्जा नहीं खाया, तो मैंने कहा चलो आज पहली वीडियो ही पिज्जे पे बनाते हैं। तो अब तैयार है ना आप लोग, ये खाने की वीडियोस आएंगी और भी बहुत से अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। अभी हमदा भाई यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, उसके भी व्लॉग्स आने वाले हैं। तो भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो यार, इधर ये बेल आइकन दिया हुआ है इसको दबाओ जल्दी। मतलब मैं वही वाली बात कर रहा हूँ, मैं अपने वजन के साथ सब्सक्राइब करवाओ यार। मैं ना अपनी मतलब दिल पे पत्थर रख कर, जान पर खेल कर जो करते हैं, आज मैं मोबाइल लेके बाहर आया हूँ। बड़ा महंगा वाला मैं नहीं लेके आता, सबको पता मैं नहीं लेके आता, तो सिर्फ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। सब्सक्राइब कर देना भाई। या मरहबा, हाय 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 गाइस, अभी सब मुँह में पानी आ गया, तो जल्दी से उसका रिव्यू लेते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा है। चलो गाइस पिज़्ज़ा आ गया, अब जल्दी आपको रिव्यू लेते हैं इसका, फिर बताते हैं। और पहले हम ये निकाल रहे हैं, क्रीमी पिज़्ज़ा ही है। या मरहबा, तो पहले इसका लेते हैं रिव्यू, फिर आपको दूसरा बताते हैं। अब भाई देसी तरीके से या नॉर्मल? देसी तरीके से ज़्यादा अच्छा है। छोड़ो इसको हटाओ। Awesome यार, मतलब इसमें बताया ना क्रीमी चिकन, अलग से उसका फ्लेवर आ रहा है। और आप ये देखें कोटिंग, देखें हम इनकी,
बहुत ज़बरदस्त मज़े का मुझे ये लगा है पिज़्ज़ा। तो अभी हम दूसरा लेते हैं, दूसरा पिज़्ज़ा टेस्ट करते हैं। हाँ, एक और चीज़, इसमें जो इनकी सॉफ्टनेस है ना, बहुत ज़बरदस्त है वो, नो डाउट। आप यहाँ से भी आपको बहुत सॉफ्ट लग रहा होगा। तो ये दूसरा ट्राई करते हैं। जो बात है, चीज़ की जो क्वांटिटी है ना भाई, लाजवाब है। इसमें भी देसी तरीका हमजा भाई, देसी तरीका बेस्ट भाई। ये है फजीता, अब ये ट्राई करने जा रहे हैं। लाजवाब है, टू बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ, बहुत जबरदस्त है। आप जरा इसका ये भी चेक कर लें, इसकी ये वाली कोटिंग भी। चीज आप चेक करें और ये पीसेस देख रहे हैं आप, ये बहुत जबरदस्त मजे का लग रहा है यार, मुंह में ही जाते ही गुल खत्म। तो अब आप दोस्तों की बारी है, उनसे रिव्यू लेते हैं। ठीक है, अब मैं बिल्कुल ऑनेस्ट दिया, अब दोस्त देखते हैं वो क्या दे रहे हैं। तो गाइस, अब मैं रिव्यू देने वाला हूँ। हसन भाई ने तो पक्के फूड ब्लॉगर, उन्होंने दे दिया रिव्यू। अब मुझे देखते हैं मुझे कैसा लगा पिज्ज़ा। ये है क्रीमी फ्लेवर, जैसा हसन भाई ने बताया, इसकी सॉफ्टनेस वगैरह और इसका जो क्रीमी टेस्ट है वो अलग से फील हो रहा है, एक अंदर अंदर जाके गुल हो रहा है, गुल हो रहा है, सही बोल रहा है, इतना इतना सॉफ्ट है। और जो इसकी क्रस्ट है ना, मुझे लग रहा है ये जो है क्रिस्पी बन जो है इसका अच्छा अलग फ्लेवर सा दे रही है। इसका क्रिस्पी का ना अलग ही फ्लेवर आ रहा है और कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन रहा है सॉफ्ट और क्रिस्प का, ये तो बहुत ज़बरदस्त है यार। तो गाइस, अब हम अपना रिव्यू देंगे, क्योंकि हसन भाई और हमजा भाई ने तो अपना रिव्यू दे दिया है कैसा है गया। अब हम अपना ये फजीता फ्लेवर है, हम अपना ट्राई करते हैं। मतलब तुम आ गए ना देसी तरीके पे। हाँ, तो और ऐसे ही खाते हैं भाई, कराची है ये। बहुत मजे का फ्लेवर है और बहुत सॉफ्ट, सॉफ्टनेस में भरी पड़ी है। जैसे कि आप दूसरी जगह चले जाते हैं तो आपको वहाँ की टो बहुत हार्ड मिलती है। आप यहाँ की टो ट्राई करें और पिज़्ज़ा ट्राई करें, बहुत मज़े का पिज़्ज़ा है यहाँ पे, आप चेक करते हैं। स्पाइसी लवर्स के लिए, हाँ, ख़ास तौर पे ये तो आप फिर आप ज़रूर ट्राई करना चाहिए, मैं एक बार रिकमेंड करता हूँ। तो गाइस, मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि इस जगह पर ज़रूर आएँ, इनका पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा स्टूडियो का एक दफ़ा पिज़्ज़ा टेस्ट करके ज़रूर देखें, क्योंकि मतलब जो आप खुद देखेंगे ना, वो कैमरा वो आपको वो फ्लेवर नहीं दे सकता जो आप खुद आके चख सकते हैं। तो एक बार ज़रूर आए, मैं आपको रेकमेंड जरूर करता हूँ, एक बार ज़रूर आए। तो वही देसी तरीके से, मज़ेदार मज़ेदार मज़ेदार। आपको खाने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस, पिज़्ज़ा वीज़ा खा लिया है और बड़ा मज़ेदार लजीज पिज़्ज़ा था, मुंह में जाते ही घुल रहा था। और जैसे मैंने आपको रिव्यू दिया, मैंने क्या अहमद हमजा दो तीनों ने दिए, तो बहुत ज़बरदस्त था। मैं एक दफ़ा आपको रेकमेंड ज़रूर करूँगा कि यहाँ पे एक बार ज़रूर आए, टेस्ट करें। बाहर जो आप वीडियो में देख रहे हो, जो हम टेस्ट कर रहे हैं फ्लेवर, उसमें बहुत डिफरेंस है। तो भाई, इसके प्राइस जो है, उसके प्राइस ये है कि स्मॉल जो है वो 220 से शुरू हो रहा है, मीडियम जो है 420 से शुरू हो रहा है, और जो लार्ज है वो 600 से शुरू हो रहा है, और जो एक्स्ट्रा लार्ज है वो 900 से शुरू हो रहा है। और इसमें इनके फ्लेवर्स के और एक्स्ट्रा कोडिंग के भी प्राइस होते हैं, वो अलग होंगे। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक, इनका लोकेशन मिल रही होगी, नंबर भी मिल रहे होंगे, तो अगर आप चाहें तो होम डिलीवरी करवा सकते हैं। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं, जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मेरे चैनल से ऑनेस्ट रिव्यू आपको मिलेंगे। तो आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।